हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एनालिस्ट। तो गाइस, इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं VMware वर्कस्टेशन प्रो पर। यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी VMware वर्कस्टेशन हो गया। उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसका नाम है Ubuntu Linux, ये प्रो VMware वर्कस्टेशन है। इस पर हम Ubuntu Linux को इंस्टॉल करने वाले हैं। इस तरीके से आप इसे फुल पे यूज कर लोगे कम्प्लीटली, बहुत ही फास्ट ये चलेगा आपके सिस्टम में। कम्प्लीट इंस्टॉलेशन मैं आपकी कराऊंगा इसमें। अब कुछ माइंड में आपके क्वेश्चंस होंगे कि अगर हम इसे अपनी विंडो पर इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या हमारी विंडो की वारंटी एक्सपायर तो नहीं होगी, या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी हमारी विंडो पर? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होगा। जब चाहो जब आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ना ही आपकी विंडो की वारंटी एक्सपायर होगी, ना ही आपके कोई डेटा लॉस होगा, ना ही आपका कोई जो विंडो है वो क्रैश करेगी। बहुत ही फास्ट चलेगी। मेरे सिस्टम की कन्फिगेशन बहुत ही कम है, फिर भी आप देख सकते हो कितनी फास्ट ये चलेगा। अगर आप थोड़ी सी, बहुत ही फास्ट चलता है अगर आप देखो तो। यहाँ पर ये प्रो है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में और होगा कि प्रो जो होती है, क्या प्रो जो हमारा ये VMware वर्कस्टेशन, क्या ये फ्री है? बिल्कुल फ्री है। अगर आप पर्सनली यूज कर रहे हो तो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर देख सकते हो, यूज VMware वर्कस्टेशन 17 फॉर पर्सनल यूज, तो ये बिल्कुल फ्री होता है पर्सनल यूज के लिए। अगर आप कंपनी के साथ यूज कर रहे हो तो वो पैड होता है, लेकिन ये पर्सनली बिल्कुल फ्री होता है। तो मैं फ्री वाला आपको कराने वाला हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो, कंप्लीट आपको इसका जो VMware वर्कस्टेशन है, इसमें मैं आपको Ubuntu Linux इंस्टॉल कराऊंगा। और बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसे यूज करोगे तो। यहाँ पर देख सकते हो, मुझे तो काफी ये बढ़िया लगता है। इस तरीके से फुल पे आप कर सकते हो और बिल्कुल भी लैग नहीं करता अगर आप इसे यूज करोगे। बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में, 4 GB रैम भी है तब भी आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो, और आपकी विंडो जो है उसमें कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कभी आप सोचो कि मेरी विंडो पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो, आपकी नई विंडो पर Ubuntu Linux को इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को पूरा देखना, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं पड़ने वाली। तो आप रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सिस्टम में 25 GB स्पेस होनी चाहिए, 25 GB डिस्क, जो आप चाहे सी में हो या डी में हो। यहाँ पर देख सकते हो, ये कोई सी भी आपके डिस्क में 25 GB स्पेस होनी चाहिए। आपके पास 7 GB इंटरनेट डेटा होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर ISO डाउनलोड करेंगे और फिर VMware वर्कस्टेशन को भी डाउनलोड करेंगे। तो 7 GB डेटा आपके इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। तो ये दो चीज़ आपके पास होंगी तो आप उसे कर लोगे। 25 GB स्पेस, चाहे सी में हो, डी में हो या ई में हो, किसी में भी हो, तो उस पर आप कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पर VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड करते हैं और उसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड। इंटर कर देना, आपको ये फर्स्ट साइट मिलेगी VMware ब्लॉक्स, इसे ओपन कर लेना। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ये VMware है ना, इसने क्या किया है कि जो VMware वर्कस्टेशन प्लेयर थी वो हटा दी है, उसे रिमूव कर दिया इसने, वो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अल्टरनेटिव सोर्स आपको मिल जाएगा अगर आप टेक स्पोर्ट पे जाओगे तो। VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड पे जाओगे और यहाँ पर ये टेक स्पोर्ट है, यहाँ पर 17 मिल जाएगी और ये फ्री होती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इनकी लेटेस्ट है। अब ये क्या, ये ऑफिशियल साइट नहीं है, तो सही नहीं रहता कि आप बिना ऑफिशियल साइट पे करो। हाँ, हालांकि कर सकते हो, कोई इश्यू ऐसा पड़ेगा नहीं, लेकिन ऑफिशियल साइट नहीं है तो वो एक थ्रेट रहता है कि कहीं प्रॉब्लम्स ना पड़ जाए। और यहाँ पर ना थोड़ा मुश्किल कर दिया इसे डाउनलोड करना। यहाँ पर ये इस तरीके से मिल जाएगा, VMware वर्कस्टेशन प्रो। प्रो ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है, 17 से जो प्लेयर है उससे ज़्यादा बेटर होती है और ये लैग भी नहीं करती है। मैंने प्लेयर यूज़ की है, वो थोड़ी लैग भी करती है, और जो ये प्रो है ये लैग नहीं करती, इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर आपके मार्क टू माइंड में क्वेश्चन होगा कि ठीक है, हम प्लेयर नहीं कर रहे, हम प्रो कर रहे हैं, तो क्या ये फ्री है? बिल्कुल फ्री है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें दो आती हैं, एक होता वर्कस्टेशन प्रो, एक होता VMware फ्यूजन प्रो। फ्यूजन प्रो मैक के लिए होता है, जो मैक यूज़र होते हैं, जैसे मेरी ये विंडो है। तो अब जिसका मैक है वो फ्यूजन को डाउनलोड करेगा, अगर आपकी विंडो है तो आप प्रो को डाउनलोड करोगे, क्योंकि विंडो ही पे आप यूज कर रहे हो। मैंने विंडो का ही थंबनेल लगाया होगा या विंडो का ही मैंने बताया होगा, तो यहाँ पर आप विंडो का ही प्रो ही करोगे। तो जो प्रो है ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पर्सनल यूज के लिए फ्री है, तो आप पर्सनली यूज कर रहे होगे, आप पर्सनल वाला ही चूज करना यहाँ पर, यूज VMware वर्कस्टेशन 17 फॉर पर्सनल यूज। तो ये कम्प्लीटली फ्री है, कोई आपको चार्जेस की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आ चलते हैं, इसे डाउनलोड कैसे करोगे? देखो यहाँ पर दिया होगा VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो एक साइनिंग वाला फॉर्म आएगा, थोड़ा सा जब हमने इसे थोड़ा हार्ड कर दिया डाउनलोड करना। बस क्या है कि इसमें आपको साइनिंग, पहले अकाउंट बनाना पड़ता है, लॉग इन करना पड़ता है, उसके बाद आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये दे देंगे और यहाँ पर आप अपना यूजर अकाउंट जो है वो पहले, अगर आपका नहीं है, बेसिकली नहीं होगा, तो यहाँ पर आप जाकर रजिस्टर कर लोगे पहले, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद इस तरीके से आप रजिस्टर करोगे, यहाँ पर आप अपना जीमेल डाल लोगे, जो भी आपकी जीमेल है, जैसे मेरी डायनामिक, ठीक है, और मूवी
और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपका जो अकाउंट से वो रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन ही मांगेगा, जैसे कि वेरीफाई कराएगा आपके जीमेल को। यहाँ से ये आपको फॉर्म फिल कराएगा, इसको फिल कर लेना। अच्छा, मैंने पहले से इसमें एक अकाउंट बना रखा है तो मैं इसे नहीं बना रहा, बस इसका बाद आप ये फॉर्म फिल करके ना, ठीक है मैं बना लेता हूँ, कोई इशू पड़ेगा नहीं। ठीक है, बना लेते हैं इसमें फॉर्म, और यहाँ पर अपने इंडिया कंट्री डाल देते हैं, और जॉब टाइटल आप एम्प्टी छोड़ देना क्योंकि ये ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर पासवर्ड बना लेना जो भी आपको बनाना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाना, जैसे जो भी आप बना सकते हो बट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना। हालांकि फर्क पड़ता नहीं है कुछ भी इससे, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ेगा इससे। इसे एक्सेप्ट करके क्रिएट कर देना अकाउंट। अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आपको आई विल डू लेटर्स कर देना और जस्ट वापस आना है। अब आप इसे ना इसे काट सकते हो यहाँ से, इसे आप जस्ट यहाँ पर आ जाओगे और इसको वापस से आप ओपन कर लेना। ठीक है, वर्क स्टेशन डाउनलोड लॉग्स वाला ओपन करना है, और यहाँ पर ना आपको इसको VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अच्छा, अगर आप ये सारे झंझट नहीं करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पर आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू पड़ेगा नहीं। इस फाइल टेलीग्राम पर रख दूंगा। अब वही चीज़ यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे इसको, और ये रिडायरेक्ट कर देगा अब हमें। पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो यहाँ पर डाल देना है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहाँ पर मैं विंडो के लिए करना VMware वर्कस्टेशन प्रो 17 फॉर विंडोज, और यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए करना, तो आपको ये वाला डाउनलोड करना है VMware वर्कस्टेशन प्रो 17 फॉर पर्सनल यूज। इस पर क्लिक कर देना, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका 17.6, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर भी एक फॉर्म फिल कराएगा, मतलब सिक्योरिटी ऐसी करा रहा है भाई जैसे कि कुछ हीरे दे रहा हो हमें। और डाउनलोड पे यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो अभी तो कुछ विजिबल हो नहीं रहा है इसमें, पहले पॉलिसी को इसकी एक्सेप्ट कर लेना है, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यस का आपको ऑप्शन आएगा, इसे यस कर देना। और यहाँ पर भी भाई साहब ये एक फॉर्म फिल कराएंगे हमसे इस तरीके से। तो इंडिया जिप कोड आप डाल देना, जो भी जिप कोड डाल देना, सिटी डाल देना जैसे कि, ठीक है, और प्रोविंस सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिकली डाल देना, जो भी आप डाल सकते हो, ये तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके डाल देना और सबमिट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर अब हमारी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ शो होगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करोगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे सकती हो, 448 MB का होता है ये, मैंने कर लिया है, मैं इसे दोबारा नहीं करने वाला, मैंने अभी डाउनलोड किया है इसे, तो 448 MB का मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमने VMware वर्कस्टेशन था वो डाउनलोड कर लिया है, एंड उसके बाद अब आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको उबंटू लिनक्स को डाउनलोड करना है। उबंटू लिनक्स डाउनलोड, इसे ओपन कर लेना, ये उबंटू लिनक्स का ऑफिशियल साइट है। अब जो लेटेस्ट वर्जन है ना, एक्सेप्ट ऑल विजिट साइट, ठीक है, ये है इसका 2.4.04.1 LTS, और 5.8 GB इसका इसका साइज है। तो यहाँ पर सिस्टम की अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 4 GB रैम चाहिए, 2 डुअल कोर प्रोसेसर चाहिए, और मतलब आज की डेट में तो ये हर हर एक सिस्टम में एग्जिस्ट करते ही है। 4 GB रैम चाहिए जो सिस्टम की रैम है, और यहाँ पर 25 GB का फ्री हार्ड ड्राइव में स्पेस चाहिए, और इंटरनेट चाहिए एक्सेस हेल्पफुल इंटरनेट, तो वो तो हो गई। तो यहाँ पर 5 GB का, 5.8 GB का हमारा ISO डाउनलोड होगा। सो यहाँ पर करना है कि आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमसे कोई ये फॉर्म नहीं भरवाने वाला, मतलब आप भर भी सकते हो बट यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कर लिया, 5.8 GB का ISO है, ये आप कर लेना। ठीक है, और मैंने कर लिया इसे, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। जैसे सबसे पहले VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल करते हैं, ये है हमारी VMware वर्कस्टेशन, और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। प्रो है ये, और ज़्यादा बेटर लगता है ये प्रो में, प्रो यूज़ करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें आप जो देखोगे ना, मतलब काफ़ी अच्छे से आपको ये एडजस्ट हो जाती है आपके डिस्प्ले पर, और जो उसकी डिस्प्ले है ना, ये काफ़ी अच्छे से एडजस्ट होती है, ये चीज़ आपको दिखेगी इसमें जब आप इससे पे यूज़ करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और एक्सेप्ट कर लोगे पॉलिसी, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, एंड यहाँ पर ये डायरेक्टरी जहाँ पर जाकर ये सेव होगी, जो हमारी
ये हमारा VMware वर्कस्टेशन है, जाकर ये इंस्टॉल होगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इंस्टॉल होगा। तो आप चेंज कर सकते हो, बट अगर नहीं करो तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपके सी ड्राइव में स्पेस है, जैसे कि मेरे सी ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और कम से कम इसे 400-500 MB चाहिए, तो आप इसे कर सकते हो, अपने डी में भी इंस्टॉल कर सकते हो कोई फोल्डर बनाकर। लेकिन अगर आप सी में करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये अन इंस्टॉल पर क्लिक कर दोगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जब तक ये इंस्टॉल हो जाती है, 2 से 3 मिनट लेगा ये इंस्टॉल होने में। सो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, इसने पहला ऑप्शन है लाइसेंस, दूसरा फिनिश। तो हमें लाइसेंस का बाय नहीं करना है क्योंकि हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, जो कम्प्लीटली फ्री है, तो फिनिश पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से इसका आपको डेस्कटॉप पर आइकन आ गया होगा, बाई चांस नहीं भी आया तो आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो वर्क स्टेशन VMware, तो यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन करोगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा, आपको यहाँ से इससे इस तरीके से कर देना है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या, न्यू फाइल पे जाना है, न्यू वर्चुअल मशीन पे आपको क्लिक कर देना है, टाइपिकली रिकमेंड पे आपको रहने देना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपको ISO सेलेक्ट कर लेना है, जैसे ये वाला ISO, ब्राउजर पर जाके ब्राउजर जाना है एंड यहाँ पर आपको Ubuntu जो ISO हमने 5.8 GB का डाउनलोड किया था Ubuntu Linux का, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके पे क्लिक कर ओपन कर लेना इसे एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नाम रख लेना है इस अपनी मशीन का, जैसे मैं रख दूंगा Ubuntu Linux। नीचे अपना आपको यूजर नेम रख लेना है, जैसे कि मैं रख दूंगा यहाँ पर हैकर, जो भी आप रख सकते हो वो रख सकते हो, यहाँ पर आप नाम रख लेना, कोई इशू नहीं पड़ता उससे। यहाँ पर पासवर्ड बना लेना, मैं 1 से लेकर 6 तक पासवर्ड बना देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाना क्योंकि आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी लॉगिन करने की। और अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हो तो बना सकते हो, क्योंकि आपको अगर सिक्योर करना है तो ज़्यादा हार्ड बना सकते हो, लेकिन आप पर्सनल यूज़ करते हो और तो फिर आपको ज़्यादा हार्ड मत बनाना है। तो 1 से लेकर 6 तक मैंने पासवर्ड रख दिया, और इंश्योर करना कि आप यहाँ पर ना स्पेस मत दो, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं Ubuntu Linux में, यहाँ पर इस तरीके से स्पेस मत देना और इसमें भी स्पेस मत देना, ये जो आप नाम रखोगे यूज़र नेम। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, यहाँ पर आपका वर्चुअल मशीन का नेम आ जाएगा 1264 bit, ये आपकी लोकेशन है जहाँ पर हमारा जो वर्चुअल जो हमारा Ubuntu Linux वो जाकर इंस्टॉल होगा। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर ना मेरे उसमें सी ड्राइव के अंदर 21 GB स्पेस अवेलेबल है, जबकि मुझे उसकी ज़रूरत भी है, और यहाँ पर 92.8 GB है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये सी ड्राइव में कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट सी में करता है। अगर आपके सी ड्राइव के अंदर स्पेस है ज़्यादा 25 GB से, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अगर आपके सी ड्राइव के अंदर स्पेस नहीं है और आप सी ड्राइव के अंदर इसे इंस्टॉल करना नहीं चाहते, तो आपको यहाँ पर आना है और आने के बाद एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ न्यू करके Ubuntu Linux कर रख देंगे इसका नाम, यहाँ पर मैंने Ubuntu Linux रख दिया और मैं इसे डी ड्राइव में करूंगा क्योंकि मेरे सी में स्पेस नहीं है। अगर आपके सी में स्पेस, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे और सी में इंस्टॉल करना चाहते हो तो जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। लेकिन अगर आपके सी में स्पेस नहीं है तो आप किसी और में करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आओगे और वहाँ पर पहले फोल्डर क्रिएट कर लोगे, बाद में भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर Ubuntu Linux होगा, Ubuntu Linux यहाँ से मैक फोल्डर पर भी क्रिएट कर सकते हो और ओके पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पर हमने फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, अब हमारा ये डी ड्राइव के अंदर होगा, जिसमें भी आप सिलेक्ट करोगे वहीं पर होगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इसको 25 GB दे देंगे, इसको यहाँ पर 20 GB होता है, 25 GB मैंने इसे अलोकेट कर दिए। स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कस्टम हार्डवेयर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर मेमोरी फॉर दिस वर्चुअल मशीन, मेमोरी मतलब रैम, आप कितनी रैम इसे अलोकेट करोगे। 2048 का मतलब होता है 2 GB, मेरे सिस्टम में 8 GB रैम है, तो मैं इसे कितनी दूंगा, मैं इसे आधी से थोड़ी कम दूंगा तो होगा 3 GB दूंगा मैं रैम इसे, तो मैं इसे 3 GB रैम अलोकेट करूंगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर इतनी हो चुकी है, तो 3 GB रैम देंगे इसको, जस्ट थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, 3000 कर देंगे, मेरे सिस्टम में 8 GB, जितने भी आपके सिस्टम में उससे आधी से थोड़ी कम देना आपको। 3 GB मैंने रैम इसे अलोकेट कर दिया। अब आते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसर और नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर, तो आपको कितने अलोकेट करने हैं। देखो यहाँ पर आपको आना है और आने के बाद आपको ना टास्क मैनेजर करना है, टास्क मैनेजर, यहाँ पर आपको पता कर लेना है कि आपके सिस्टम में कितने कोर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के अंदर आना और यहाँ पर आपको दिख जाएगा देखो कोर्स और लॉजिकल प्रोसेसर। अब कोर्स मेरे उसमें कितने, 4, 2 कोर है मेरे उसमें और प्रोसेसर कितने, 4। तो यहाँ पर ना देखो आपको कोर जो है वो आधे एलोकेट करने हैं, जैसे मतलब आपके सिस्टम में 2 कोर हैं तो आप 1 एलोकेट करोगे, आपके सिस्टम में 4 कोर हैं तो आप 2 कोर एलोकेट करोगे, अगर आपके सिस्टम में प्रोसेसर
जो है वो चार है तो दो एलोकेट करोगे, तो उसका जितना भी आपके सिस्टम है उसका आधा एलोकेट एलोकेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने हमने दो एलोकेट कर दिए, यहाँ पर हमने एक एलोकेट कर दिया, तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा सेटिंग हो चुकी है इसकी, हमने स्पेस आपको जिसमें रैम अपने अकॉर्डिंग एलोकेट कर दिए। फिनिश पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे फिनिश पे क्लिक करोगे तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो अब ये ऑटोमेटिकली होगा, आपको ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कुछ टाइम लेगा, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से कम कुछ टाइम लेता रहेगा आपका, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लेता रहेगा इंस्टॉलेशन के टाइम। आपको इस तरीके से कुछ आ जाएगा, पहले ये 1 से 1.5 मिनट लेगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको देगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये कम से कम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट भी रह सकती है, 5 मिनट भी रह सकती है, लेकिन इसका आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये 2 से 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट भी रहती है, तो इस बात को आपको घबराना नहीं है, ये 2-3 मिनट आपकी रहेगी। तो कुछ तरह आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और अभी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई है इसमें, वेलकम टू उबंटू। तो एक चीज और इंश्योर करना है कि आपका पीसी जो है ना वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से ये इंस्टॉल होगा, कुछ टाइम यहाँ पर लेगा ये। और ये जो डिस्प्ले है ये भी मैं सही करा दूंगा, ठीक है, इसकी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये भी मैं सही करा दूंगा। इसे फुल पे कर देंगे इस तरीके से, यहाँ से आप फुल पे कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अच्छा, तो इसने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, पिछली बार जब मैंने वर्चुअल बॉक्स में किया था तो उसमें नहीं दिया था। तो एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि इंग्लिश ही रहने देना आपको। चूज योर लैंग्वेज, और इंग्लिश में हम इसे यूज करेंगे। एक्सेप्ट इन उबंटू लिनक्स आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर सिलेक्ट योर कीबोर्ड लेआउट, तो इंग्लिश यूएस पे रहने देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, लेआउट का जो हमारा वो होगा। यूज वायर कनेक्शन, डू नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट, और यहाँ पर ये कह रहा है कि आप वायर कनेक्शन का यूज कर सकते हो, तो हमें नहीं करना, डू नॉट नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट कर देना आपको। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इंस्टॉल ओबंटू का ऑप्शन दिया, इस पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो आपको अल्टरनेट इंटरनेटिव इंस्टॉलेशन पे आपको रहने देना, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। डिफॉल्ट सिलेक्शन रहने देना आपको, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। और यहाँ पर इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई सपोर्ट फॉर, इतना कर देना, और बाकी आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी इसकी। अभी कुछ और हमें शायद ये ऑप्शन विजिबल कराए, और इसके टेक्स्ट काफी ज्यादा पड़ चुके हैं। इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू, अगर इससे आप घबराना मत, ये दिया होता है कि अगर आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है तो ये आपको इरेज करने का ऑप्शन देगा कि मुझे 25 GB स्पेस नहीं मिल रही है, आपने उस डिस्क को सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर स्पेस नहीं है, तो कुछ आप उसमें से इरेज करना चाहोगे तो आपकी मर्जी है कि आप करो या ना करो, लेकिन इस तरीके से देते हैं। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसे सिलेक्ट रहने देना है। क्रिएट योर अकाउंट, आपको अपना अकाउंट यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं नाम रख देता हूँ हैकर कर देते हैं, जो हमारा यूजर नेम बन जाएगा, ये अकाउंट बनेगा, और इस तरीके से यूजर नेम बन गया ये। पासवर्ड आपको यहाँ पर रखना है, जैसे 1 से लेकर 6 तक रख लेना है यहाँ पर। यहाँ भी आपको वही पासवर्ड डालना है 1 से लेकर 6 तक, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये इंडिया सेलेक्ट कर रहा है, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। और बाय डिफॉल्ट अगर आपकी कंट्रीज में शो नहीं हो रही है, ठीक है, अगर आपकी कंट्रीज में शो नहीं हो रही है, तो आप कोई भी बेसिकली शो होती है। अच्छा, ये टाइम जोन के अकॉर्डिंग देता है पूरा इस तरीके से, एशिया, कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, और आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कम से कम 15-20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट भी आपसे लेगा, तो पेशेंस रखना आपको, और 25 से 30 मिनट जो भी ये ले, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट भी रखना है, और कम से कम 15-20 मिनट या 25 मिनट तो ये लेगा। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा फास्ट है तो जल्दी कर लेगा, बाकी ये 15-20 मिनट तो लेने वाला है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो हमारा इंस्टॉलेशन हो चुकी है, कम से कम इसने 15 से 20 मिनट लिए हैं, और अगर आप रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दोगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। कुछ सेटिंग्स में बताऊंगा, वो आपको करनी पड़ेंगी ताकि आपकी जो ये डिस्प्ले है पूरी परफेक्ट आ जाए, और किसे कैसे यूज करना है कम्प्लीटली मैं आपको बताऊंगा इसमें, इसकी कोई आप टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए इसकी डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगी, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट भी रहती है, तो ये सही हो जाएगी। एक बार ये रीस्टार्ट हो जाए उसके बाद आपका ये बहुत जल्दी ओपन, और आप इसे रीस्टार्ट कर सकते हो। बस ये वन टाइम में ज्यादा टाइम लेता है, उसके बाद ये ज्यादा टाइम नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये आपका यूजर नेम है, इस तरीके से आप इसे ऊपर नीचे ला सकते हो। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड डालना, वो पासवर्ड जो आपने वहां पर बनाया था, मैंने 1 से लेकर 6 तक बनाया था, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर ये विजिबल हो जाएगा, यहाँ पर कम से कम 1-1.5 मिनट लेगा ये, और 1-1.5 मिनट नहीं मतलब 30 से 35 सेकंड लेगा। और इसके बाद अब जब आप इसे ओपन करोगे या रिस्टार्ट करोगे तो बहुत जल्दी होगा, ये कम से कम 1 मिनट के अंदर ही आपका ओपन और रिस्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा। ये इसका फुल मोड होता है, इस तरीके से आप इसे फुल कर सकते हो।
तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी है आपको, नेक्स्ट पे करना है एंड और आपको स्किप फोन नाउ कर देना है, इसे भी आपको नेक्स्ट पे कर देना है। ये शेयर आपको अगर डेटा शेयर करना चाहते हो उबंटू टीम के साथ तो आप कर सकते हो, लेकिन हमें नहीं करना। डू नॉट शेयर सिस्टम डेटा, आपको फिनिश पे क्लिक कर देना। अब ये बहुत फास्ट चलता है, अगर आप इसमें देखो ना तो बहुत फास्ट चलेगा। अब कुछ सेटिंग्स आपको करनी है, देखो यहाँ पर ना ये कंप्लीट नहीं आ रहा, थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट ये इस तरीके से ऑप्शन होगा, शो ऐप पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आपको जाना है डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में जाना आपको रेजोल्यूशन के अंदर, यहाँ पर आपको 1060x1080 था यानी कि 1280x800, तो आपको ये वाला कर देना। ये वाला जो भी आपको फिट हो ना, आपको आपके सिस्टम वाला आपको अप्लाई कर देना। जैसे मैं ये कर देता हूँ तो आई थिंक ये थोड़ा सही है। हाँ ये कम्प्लीटली फिट है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आपको जो भी आपके सिस्टम में फिट बैठ जाए वो वाला आपको यहाँ पर करना है। इसमें अच्छा क्या लगता है कि आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ये मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका Ubuntu Linux हो गया, ये हमारा विंडो हो गया। तो अभी से आप स्टार्टिंग से कैसे करोगे वो आपको बता देता हूँ। देखो इस तरीके से यहाँ से आप कर दोगे ये फुल पे हो जाएगा, ठीक है इस तरीके से, और यहाँ से इसे कर दोगे तो फुल से हट जाएगा। इस तरीके से आप छोटा बड़ा भी इसे कर सकते हो, जो भी काम होता है इस पर टर्मिनल के थ्रू से आप कर सकते हो। वो आप इसका ट्यूटोरियल देख लोगे कोई वीडियो पर जाकर। यहाँ पर आप इसमें इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है इसे यूज़ करना और ये बिल्कुल लैग नहीं करता, बहुत फास्ट चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से बहुत ही फास्ट ही चलता है, और आई थिंक ट्री कमांड्स पे वर्क नहीं करती, तो बहुत फास्ट ही चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। आप बहुत ही फास्ट से यूज़ कर सकते हो। मेरा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत कम है, फिर भी आप देख सकते हो कितना फास्ट चल रहा है। तो इसे करना है क्या, आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पावर ऑफ कर देना है एंड पावर ऑफ कर देना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसे आप शुरू से कैसे स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली पावर ऑफ हो चुका है और हम VMware से बाहर आ चुके हैं। और जस्ट मैं इसको यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, मैं इसे क्लोज कर दिया, मैंने VMware वर्कस्टेशन को भी क्लोज कर दिया। अब मैं इसे ओपन करोगे आप VMware वर्कस्टेशन को, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आना, देखो इस तरीके से दिखेगा ये, इसे मत काट देना, ये आपको Ubuntu Linux होता है। ठीक है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन को आपको क्लिक कर देना, ये होगा पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो स्टार्टअप दिस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो ये पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसे मत काट देना, आप इसे एग्जिट कर दोगे तो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आई थिंक ये हो, मैंने कभी किया नहीं है, होगा नहीं होगा पता नहीं। यहाँ से अगर आप कर दोगे तो कहीं ये पूरा ही डिलीट नहीं हो जाए, लेकिन आई थिंक नहीं होगा डिलीट, इससे शायद यहाँ से हट जाएगा ये, तो इसे करना मत, ठीक है, इस पर क्लिक मत करना। तो यहाँ पर भी कम से कम एक डेढ़ मिनट लेगा ये, एक मिनट या डेढ़ मिनट लेगा, वहाँ तक ज़्यादा नहीं टाइम नहीं लेगा लेकिन एक डेढ़ मिनट ज़रूर लेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने, मुश्किल से एक मिनट भी नहीं लिया। अब आप इसे कितनी बार भी ऑफलाइन वो कर सकते हो, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ये नहीं लेगा और बहुत जल्दी आपको इसे आप क्विकली स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, मैं फुल मोड पर कर देता हूँ इसे, ये फुल मोड हो गया इसका। इस पर क्लिक कर दोगे तो सस्पेंड हो जाएगा ये पूरा सस्पेंड, तो ये मत करना। ठीक है, ये सस्पेंड हो जाता है इससे मत करना, ये जो आपको दिख रहा है। और सेंड टू वर्चुअल मशीन, बस आपको इसी का यूज करना, शो दी हाइट कंसोल व्यू, ये हाइट कंसोल व्यू इस तरीके से शो हो जाएगा। इसे हटा दोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फुल पे कर दोगे तो और फुल पे कर देंगे एंड एक इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, बहुत ही फास्ट चलेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली इसमें। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइस।